जी, ये क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि ये बच्चे तो दोस्त बन गए। ओहो, नहीं महाराज, वो तो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। पर अगर ये नाटक नहीं हुआ ना जे, तो तुझे मैं उठा के पटक दूंगा। जा, जाकर उन पर नजर रख। यहाँ आओ। तुम्हें याद तो है ना कि तुम यहाँ क्यों आए हो? खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो जाओ, अपना काम करो। अभी अपना काम करते हैं। क्यों दोस्तों? ओफो, ये शैतान सारा खेल बिगाड़ रहे हैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। महाराज, मेरी मानिए तो उन्हें जाने दीजिए। देखिए, उन्होंने मुझ जैसे अच्छे भले इंसान की क्या हालत कर दी है। तू बस देखता जा, मैं इन दोनों से कैसे निपटता हूँ जे। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। तूने अपना काम ठीक से नहीं किया। तुम दोनों से अब निपटना ही पड़ेगा। ओम ब्रह्म छल, ओम ब्रह्म छल, ओम ब्रह्म छल। क्रिस, बच के। मेरे दोस्त, ये तूने क्या किया? वही जो तूने किया, एक दोस्त की मदद की। दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने टैटू चोरी नहीं किए। दोस्तों, तुम सबको क्या हुआ है? रुक जाओ, बबलू, पिंकी। रंगा, तू पिछली बार की पिटाई से मन नहीं भरा? इतना ज्यादा मत इतना बच्चे, अभी तेरा सारा रंग उतर जाएगा, समझे? शिकार वहां सामने है।
इसके बच्चे नहीं छोड़ूंगा। रंगा, मत लेना मुझसे फिर पंगा। हमारे सुंदर टैटूज भी गए। ओह मेरे प्यारे टट्टूओं, तुम्हें टैटूज इतने पसंद है ना, मैं तुम्हें बढ़िया टैटूज देता हूँ और वो भी बिल्कुल फ्री। और ये टैटूज कभी नहीं मिटेंगे। भाग जाओ। नहीं 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 नहीं, चलो जाओ, अपना गंदा मुंह लेकर तबाह हो जाओ यहाँ से। इन पागल टट्टुओं से मुझे ब्रेक चाहिए। थोड़ी देर बाहर की खुली हवा खाता हूँ। हेलो करिश्ट सर। वाह कनिष्ठ सर, आपके साथ जुड़ने में तो मजा आ रहा है। काश हम हमेशा ऐसे रहें। अगर अब वृश्चिका नहीं दिखी तो मैं तो गया। वृश्चिका, देखो मैं ले आया इस नीले को। चलो शुरू करो अपना काम। अभी लीजिए महाराज, मैं तो कब से इसी पल का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा तो ये प्लान था, लेकिन सर अब प्लान में थोड़ा ट्विस्ट होगा। वृश्चिका, ये क्रिस है, मैं तेरा बॉस हूँ। सॉरी सॉरी महाराज। वृश्चिका बंद करो ये अपनी नौटंकी अभी इसी वक्त। कनिष्ठ सर, इससे बचने का बस एक ही तरीका है, मेरे साथ इससे लड़ो। नहीं कभी नहीं। मैंने तो पहले ही बोला था। ये तो गई, पर अब हमारा क्या होगा? आप यहाँ है महाराज, मैं तो आपको कब से ढूंढ रहा था। वापस जाने का समय हो गया। वापस क्या, ऐसे ही जाऊंगा बेवकूफ। देख तेरे इस बहुत खास सैंडविच ने क्या किया है, देख। महाराज मैं तो आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो सैंडविच है वो खास क्रिस के लिए ही था, पर इस चिपकू जोर से निकलने का तरीका तो बहुत ही आसान है। क्या है, जल्दी कुछ कर। थूक पट्टी क्या लगा रहा है? बस देखते जाइए। बस अब खत्म दोस्ती क्रिस, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है, मस्ती टाइम। ओ यहाँ लिखा है जादुई अमृत इस तरफ है। जादुई अमृत कहाँ है? क्यों अंकल, क्या ढूंढ रहे हैं? कहीं ये तो नहीं? क्रिस, तूने जादुई अमृत के लिए मुझे बहुत दौड़ाया, अब तू देखना। कनिष्ठ सर, इसे तो आपको मुझसे जीतना होगा, ये लीजिए। क्या हाल है सर? क्रिस के बच्चे, तेरी अब खैर नहीं। ओहो, आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना कनिष्क सर? हाँ,
देखिए महाराज, हमें कौन मिला? बहुत खूब, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। क्रिश, अब वो जादुई अमृत मेरे हवाले कर दे, वरना। सुखी, नहीं क्रिश, मेरी चिंता मत करो, बस उस दुष्ट कनिष्क को वो अमृत मत देना। नहीं सुखी, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता, ये लो अमृत। भाग जाओ बेवकूफों, ये जादुई अमृत सिर्फ मेरा है। नहीं। क्या हुआ कनिष्क सर, स्वाद पसंद नहीं आया? आपको जादुई अमृत कभी नहीं मिलने वाला। फिर से क्या? सारे के सारे आ जाओ, खाने के लिए आओ। मेरा पेट, ये दर्द, उस गोलू ने खाने में जरूर कुछ मिलाया होगा। पिंकी, ये क्या हो रहा है? पिंकी, सब बच्चे अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं? बबलू, पिंकी, बच गया, लेकिन कब तक?
अगली बार मैं शैतानों की ऐसी सेना बनाऊंगा कि कृष्णा के आशीर्वाद से भी ये कृष्ण कुछ नहीं कर पाएगा। हेलो बच्चा लोग, एजेंट सुखी रिपोर्टिंग। कनिष्क का एक और प्लान फेल हो गया। कृष्ण की बदौलत मथुरा में एक और दिन कुशल मंगल बीता। शुरू होने वाले हैं। अब हमें सर्वनाश से कौन बचाएगा भला? क्रिस, तुम आ गए? क्रिस? कौन क्रिस? आप ठीक तो है ना अंकल? मुझे लगा कि तुम क्रिस। मैं ठीक हूँ बेटा। ये आंधी और तूफान थोड़ी ही देर में थम जाएगा, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। आक्रमण! मथुरा, मैं आ रहा हूँ। इतनी जल्दी नहीं अंकल। अंकल, कौन हो तुम? आप अपने प्यारे क्रिस को भूल गए क्या? क्रिस, तुम? बिल्कुल ठीक। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हुआ। अब तक मैं छिपा था क्योंकि तुम सबको एक साथ साफ करना था। अब खेल खत्म। कनिष्क अंकल, हारने के लिए तैयार हो जाओ। अब देखना कैसे बचेगा मुझसे क्रिस। वैसे ही जैसे हमेशा बचता हूँ। मथुरा नगरी होगी मेरी। लगता है मिठाई वाला आ गया। आओ आओ मिठाई वाला। वेलकम वेलकम। मेरे एलियन दोस्त ने तुम्हें भेजा है ना? तुम मुझे मथुरा नगरी देने आए हो ना? क्यों? थैंक यू महाराज, आप तो पिंग पॉन्ग बॉल बन गए हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी वजह से उस नीले लड़के ने मेरे टीचर की बहुत धुलाई की थी। ये मेरा बदला है। क्या? तो तुम मुझे मथुरा नगरी देने नहीं आए? नहीं, मैं मथुरा लेने आया हूँ। और तू और तेरा क्रिस जाएगा मेरे साथ, बनकर मेरे टीचर का गिफ्ट। मथुरा नगरी मेरी है और सिर्फ मेरी ही रहेगी। चल दिखाते हैं इसे। ओए एलियन मच्छर, देख मैं तुझे अब कैसे मसलता हूँ। <आ, laughs>
मदद और तुमसे कभी नहीं। बेवकूफ क्रिस, मेरे प्यारे राज दुलारे, रुको, बिल्कुल सही समय पर आए हो तुम। चलो इन एलियन से मिलकर निपट लेते हैं बेटे। कुछ भूल रहे हैं आप। प्लीज थोड़ी और रिक्वेस्ट कीजिए। प्लीज प्लीज बहुत प्लीज। प्यारे बच्चे, क्या मच्छर तंग कर रहा है तुम्हें? लो, मैं अभी मसल देता हूँ। नहीं लगा, नहीं लगा। मस्ती टाइम। लगता है कनिष्क महाराज क्रिस को सपने में भी नहीं पकड़ पाएंगे। मस्ती टाइम। सुनो कहानी नंबर वन, अंकल बन गए ब्यूटीफुल वुमन। ओहो, तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कितना बोरिंग दिन है, ऐसी बारिश में तो हम बाहर खेलने भी नहीं जा सकते हैं। तुम दोनों जल्दी कुछ सोचो, वरना इनकी तरह हम पर भी मकड़ी के जाले बन जाएंगे। ओ, इस तरह उदास नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों। मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, जिससे हम बारिश में भी मजे कर सकते हैं। ये देखो, कागज की नाव। क्यों ना हम ऐसी ही नाव बनाकर बारिश के पानी में एक बोट रेस करें, क्या ख्याल है? जाओ जाकर बारिश के मजे लूटो, नाव बनाओ। क्रिस सुन ले, इस बार मैं तेरी नैया डुबो कर ही रहूंगा, और ये मेरा दावा है। कनिष्क अंकल, खोखले दावे करने से क्या होता है? मुझे तो तैरना आता है, लेकिन क्या आपको तैरना आता है? मस्ती टाइम। बचाओ, बचाओ। ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। बुड्ढे, क्या हुआ? अकड़ गया क्या? पुतला बन के क्यों खड़ा है? चल जल्दी से बटन दबा। चलो क्रिकेट खेलते हैं। क्या चंकल जी, और ये लगा सिक्सर। ए भेंगे, दिखाई नहीं देता? बेवकूफ, मेरी डोर किस खुशी में काटी तूने? मेरे मालिक, मेरे सरकार।
अभी आपकी हवा टाइट करता हूँ, मेरा मतलब अभी क्रिश की हवा निकाल देता हूँ। देखिए अरे बाप रे, डर के मारे तो मेरी हालत खराब हो रही है। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, फिर से उड़ी बाबा। ओ, अरे पतंगा के बच्चे, ये क्या कर रहा है? आई क्या हो गया? मेरे बचे हुए दांत भी तोड़ दूंगा। अरे भगवान, तो पहला इनाम जाता है इन दो पतंगों को जो उड़ रही हैं आसमान में जी जान और शान से। हाँ तो सब बच्चे पेट भर कर खाना खाएंगे, जितना खाना खाएंगे उतना मजा पाएंगे। बबलू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे, आज जरा गले तो लग। अरे क्रिश छोटू, ये क्या, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, क्यों? बाके, इसके लिए एक गुलाब जामुन लेकर आओ जल्दी। सर आप भी चखिए ना, आखिरकार बाके ने इतने प्यार से जो बनाया है। तो तुझे अपने दोस्तों को मेले में ले जाना है ना? ठीक है ले जा, पर पहले तेरे दोस्तों के छोटे छोटे मॉडल तो बना दूं। जादू मंत्र धोखा करंदर। ये होमवर्क मशीन बहुत काम आएगा। मैं तुम्हें अपने दोस्तों को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा कनिष्क। मस्ती टाइम। अपने दोस्तों को बाय बाय बोल दे क्रिश। अरे उठो जल्दी, मेले में नहीं जाना है क्या? नीला, पर इतने सारे होमवर्क का क्या? कनिष्क सर ने कहा कि वो इतना सारा होमवर्क चेक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमारा सारा का सारा होमवर्क कैंसिल।
मेरा मॉडल नहीं नहीं नहीं। मुझे पता था कि ये तुमसे नहीं होगा। और अब महाराज, क्रिस तो जोर शोर से प्रैक्टिस कर रहा है और आप यहाँ वीडियो गेम खेल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस साल क्रिस आपका गेम ओवर कर दे। जे बुड़बक, 20 साल से चैंपियन की ट्रॉफी मेरे पास है। वो नीला तो इस खेल में अभी बच्चा है। गेम ओवर तो अब उसका। अमेजिंग रिकॉर्ड शो में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ आपकी होस्ट बबली। तीन टीम्स देंगी एक दूसरे को टक्कर और बनाएंगे कुछ कमाल धमाल बेमिसाल रिकॉर्ड्स। स्वागत कीजिए हमारी टीम्स का। टीम रेड, टीम ब्लू और आखिर में है चैंपियन कनिष्क की टीम, टीम ग्रीन। आप बनाएं धमाकेदार रिकॉर्ड्स। पहले राउंड में टीम्स के सभी प्रतियोगी एक ही साइकिल चलाकर फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे। पर जब एक साइकिल पर चार लोग सवार हो तो बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। आइए देखें कौन तोड़ता है ये साइकिलिंग रिकॉर्ड। ऑन योर मार्क, गेट सेट, ये। जल्दी गोलू, जल्दी और तेज। सुपर नान, तुम्हारी पाउडर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे बढ़ो क्रेज, जल्दी करो। सुपर नाम, देख मत कुछ कर। मस्ती टाइम। और राउंड वन जीता है ब्लू टीम ने। ब्लू टीम, ब्लू टीम। बाप रे महाराज, क्रिस ने इतनी बुरी तरह से आपकी धुलाई कभी नहीं की थी। बकवास बंद कर और मेरे साथ धमाका की मदद करने चल। मेरे दोस्त होश में कैसे आएंगे डॉक्टर धमाका? जवाब दो। वो मेरी कुंभकर्णी गैस है। बच्चों को अगर 5 मिनट में नहीं जगाया तो वो हमेशा सोते रहेंगे। 5 मिनट? आओ, अब तुम कौन हो? ये तो आपके सबसे बड़े फैन है। मुझे लगा ही था कि ये सब आप ही की चाल होगी। तो क्या कहते हो दोस्तों, दिखा दें इस छुट्टू को। नहीं। तो हो जाए। इस बार तू नहीं बचेगा क्रेस। तुम्हारे पास तो गजब की शक्तियां हैं। चलो अब इन सब की चटनी बनाएं। मस्ती टाइम।
अब देखो, जय श्री कृष्णा। तुम तो मुझसे भी बढ़िया सुपर हीरो हो क्रिस। चलो आ, तुम्हारे दोस्तों को वहां से निकाले। चलता हूँ एजेंट वीर। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा दोस्त। मैंने सपना देखा कि हम सब एजेंट वीर के साथ हैं। मैंने भी देखा। हाँ, मुझे भी यही सपना आया था। मेरे सपने में डॉक्टर धमाका कुछ ज्यादा ही बदमाश थे। इतना खुश होने की जरूरत नहीं, ऐसे सपने अक्सर सच नहीं होते हैं। हम नहीं बचोगे। पिंकी, मैं तेरे लिए पेड़े लाया हूँ। क्रिस, वाह पिंकी, तूने बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई है। अगर रंगोली मैंने अच्छी बनाई है तो लाइट्स तुम लगा लो, मैं अभी आती हूँ। ओ, अब इसका क्या करूं? ओहो, ये क्या मुसीबत है। समझ में नहीं आता ये लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं? क्या बात है, ये तो आसान था। सभी बच्चे हॉल के अंदर जमा हो जाओ, प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। देखो, सब बच्चे एक एक करके यहाँ आएंगे और अपने अपने पटाखे और मोमबत्ती का पैकेट ले जाएंगे। ये तुम्हारे लिए और ये। आगे बढ़ो। और बेटा क्रिस, ये तुम्हारे लिए। तो प्यारे बच्चों, दिवाली का त्योहार तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, क्यों है ना? पर क्या तुम में से कोई मुझे ये बता सकता है, कोई भी, कि हमारे इस त्योहार का महत्व क्या है? मुझे नहीं पता। है? मैं बताता हूँ, श्री राम की दुष्ट रावण पर और अच्छाई की बुराई पर हमेशा जीत। क्रिस, तुम भूल रहे हो कि अब हम कलयुग में हैं। अब जीत होगी बुराई की अच्छाई पर, असत्य की सत्य पर और दुष्ट कनिष्क की बालक क्रिस पर। युग भले ही कोई भी हो कनिष्क अंकल, तुम्हारे दुष्ट इरादे में कभी सफल नहीं होने दूंगा। ओ, अच्छा बच्चों, एक बात याद रखना कि पटाखे केवल रात को ही जलाना और सिर्फ खुले मैदान में ही जलाना। अरे हाँ, एक बात और बच्चों, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम पर नजर रखने वाला हूँ। ये वायर यहाँ जमीन पर किसने रखे हैं? जरा संभल कर कनिष्क सर। बचना क्रिस। चिंता मत कीजिए, मैं तो बस इस नमूने के साथ खेल रहा हूँ। परम पम पम परा पम पा पम परम पम पम। हाँ, उस क्रिस की तो हो गई छुट्टी।
आज तो महाराज कनिष्क मुझे इनाम देने वाले हैं। कौन है? वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक इनाम है। गिरना साइट तो बच गया तू, लेकिन मेरी पावर से नहीं बच पाएगा। सुन दुष्ट दानव, अब मैं तुझे दिखाता हूँ असली शक्ति किसे कहते हैं। जय श्री कृष्णा। नीले, पहले मैं तेरे टावर के टुकड़े टुकड़े करूंगा और फिर मैं तेरा भी बैंड बजाऊंगा। तूफानी मस्ती टाइम। जादू मंत्र धोखा कलंतर। मेरा रिकॉर्ड कोई कभी नहीं तोड़ सकता। मैं अपने दोस्तों को निराश नहीं करूंगा। जय श्री कृष्णा। तूफानी। मस्ती टाइम। दोस्तों बस एक ही मिनट बाकी है, जल्दी करो। और दोनों ही टीम्स ने एक साथ रेड लाइन को पार कर लिया है। आखिर के 5 सेकंड बचे हैं। और अब
बैटिंग रिकॉर्ड्स के नए चैंपियन है ब्लू टीम। ये क्या है? ये है बुढ़ी के बाल। तू भी खाएगा क्या क्रिस? बुढ़ी के बाल? ये नाम ही बड़ा गंदा लगता है। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। ये असली बुढ़ी के बाल नहीं है बेटा। लो खुद खा के देखो। बहुत मीठा है। पिंकी ठीक से निशाना लगाना। मस्ती टाइम। मैं जीत गई। आओ आओ बच्चों, क्या तुम में ऐसा कोई है जो गोलू से ज्यादा ताकत लगा सकता है? बबलू तू कोशिश करना। आप भी एक कोशिश कीजिए ना कनिष्क सर। क्यों क्रिस के बच्चे मेरी ताकत आजमाना चाहता है? ये तो बच्चों के खिलौने हैं कनिष्क अंकल। असली ताकत तब आजमाऊंगा जब आपका मुझसे मुकाबला होगा, वो भी आमने सामने। हाँ हाँ क्यों नहीं, लो अभी करके दिखाता हूँ। मस्ती टाइम। चलो आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अब इसका क्या करूं? ये क्या मुसीबत है, समझ में नहीं आता इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें रखी क्यों जाती हैं? क्या बात है, ये तो आसान था। क्या हो रहा है बच्चों? सर हम सब अपनी अपनी बुराइयाँ और कमजोरियाँ छोड़ रहे हैं। आप भी कुछ छोड़ने की कसम खाइए ना सर। जरूर बच्चे जरूर, क्यों नहीं। इस होली पे मैं तुझे त्यागूंगा। अरे अंकल, समझाने के बाद भी आप नहीं समझते, आखिर क्यों? कम से कम आप इस होली पर तो सुधर जाइए। चुप कर मूर्ख बालक, सुधारूंगा तो मैं तुझे। बस होली की एक गोली और तेरा खेल खत्म। मैं भी तुम लोगों जैसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी कोई बदमाशी नहीं करूँगा। अरे अरे रुको सुखी, इतनी जल्दी भी क्या है, ये खास मोमबत्ती है ना, इससे हम होली का जलाएंगे। बेटा क्रिस ये लो, क्या तुम होलिका को आग दोगे? जरूर अंकल जी, मेरा मतलब सर। अभी लीजिए। तो
तो तुम तैयार हो क्रिस? पिछली बार तो तुम बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं। बार याद दिलाऊं बच्चों तुम्हें, बाकी बच्चों की तरह अपना काम खुद ही करना होगा, ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करना। पर सुखी अंकल, मैं क्या बन सकता हूँ? When I am here, don't fear. जैसी आपकी मर्जी। काश हम तीनों दोस्तों में से कोई एक ही कॉम्पिटिशन जीत जाए। हाँ, हमारा तीसरा पार्टनर है कहाँ? मैं यहाँ हूँ दोस्तों। ये तुम क्या बने हो क्रिस? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी बने हो अच्छे लग रहे हो। श्री कृष्ण की तरह मुझे भी तो मक्खन पसंद है ना, इसलिए मैं बटर बना हूँ। ए चुप नीले, ये बटर बटर बनकर कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन नहीं जीत सकता। और मेरे होते हुए तो ये कॉम्पिटिशन कोई और जीत ही नहीं सकता है। वो तो देख लेंगे गोलू, लेकिन जरा संभल कर रहना, काले बादल मंडरा रहे हैं, होने को कुछ भी हो सकता है। नीले गुब्बारे, लगता है तेरी आंखें खराब हो गई है, आसमान में एक भी बादल नहीं है। नाक पोंछना बंद कीजिए सर, हंसिए हंसिए और खुशियाँ मनाइए, क्योंकि अब टाइम है डबल मजे का। पेश है जो जो जोकर। हेलो बच्चों, तो तैयार हो मौज मस्ती और मजे के लिए? मैं तुम्हें इतना हंसाऊंगा कि हंसते हंसते तुम्हारा सिर चकरा जाएगा। चलो बच्चों, अब केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे तो मेरा है, लेकिन गिफ्ट तो तुझे मैं दूंगा, तैयार रहना। तैयार तो मैं हमेशा रहता हूँ अंकल जी, लेकिन इस बार का गिफ्ट जरा ढंग का होना चाहिए। आपके पिछले गिफ्ट से कुछ ज्यादा मजा नहीं आया। मैं सच कह रहा हूँ कनिष्क महाराज, क्रिस ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, वो तो बस यहाँ से वहाँ भाग रहा था। शाबाश, ये हुई ना बात, आखिर तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। ये 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 अप्रैल फूल बनाया, अप्रैल फूल बनाया। अप्रैल फूल? हाँ कनिष्क अंकल, आपको क्या लगा सिर्फ आप ही दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं, कोई आपको और आपके चमचों को नहीं? आज अप्रैल फूल है। सही कहा, और अब जब आप सब बुद्धू बन चुके हैं तो देर किस बात की, हो जाए दो दो हाथ। अब देखना कैसे इन सबको मजा चखाता हूँ।
तैयार हो जाओ। अब फूल नंबर दो। महाराज, आपकी जो ट्रेनिंग थी सारी फेल हो गई। चुप रहो बेवकूफों। अप्रैल फूल बनाया तो कैसा मजा आया, अब मेरा क्या कसूर? अंगूर के मुंह में अंगूर। सिर्फ अप्रैल ही क्यों, साल के किसी भी महीने में कनिष्क सर अगर क्रिस से पंगा लेंगे तो फूल ही बनेंगे। अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। कनिष्क का हो गया डब्बा गुल। ओवर एंड आउट। Hey somebody, stop this bear! My luggage! Hey bear, stop! I am Kanishk the Asur. Why am I here hanging on this rope? Jay, Tarak, Suparna, where are you fools going? Catch that bear now! My lord, that bear is trying to break open the locket. So what are you waiting for? Come! Catch him! Kanishk uncle, you and your Asur gang has enjoyed your share of fun. Now it's my turn. Let's get rid of him now. Chris! You blue trickster! I'll end your magic once and for all! It's fun time! I'm sure that the blue guy must have been squished under the rocks by now. You can never crush me, Kanishk uncle. Now you wait and watch who all will get crushed. How did that happen? Oh!
जय श्री कृष्ण। Listen, you hammer. Go and knock Chris out. Jai Shri Krishna. My lord, hammer, stop. It's fun time. Now Chris will face this maze and get dazed. Just watch. You both will be amazed. These doors seem to be password protected. The pictures on them could be the clues, my lord. I am Kanish! An ice ball. Oh, that's my black dog. There is nothing on it. Kanishk, sir. Chris, why are you laughing after getting caught? Kanishk, sir, what did you ended up saying while saying passwords, huh? I said, I am Kanishk, it's an ice ball, my tongue is black, and there's nothing on it. I want to be Kanishk again! My lord, your tongue is not black anymore. Now this is minding your own tongue in true sense. Now don't cry a lot, Kanishk sir, or else you will melt. I'll melt. Oh Jay, please put me inside a freezer. <I'm>...